नमस्कार दोस्तों, ऑल कंपैरिजन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, मेरे बहुत सारे भाई लोग एक ये कमेंट कर रहे थे कि हम पूरा गेम तो बढ़िया खेल लेते हैं लेकिन लास्ट में मारे जाते हैं भाई। तो आज मैं आपको लास्ट में सरवाइव करके दिखाऊंगा और अच्छे से मार के दिखाऊंगा। फुल स्क्वाड मेरे हाथ से मारी जाएगी, वो भी थर्ड हिल के अंदर दोस्तों, ठीक है। बहुत मजा आने वाला है इस गेम प्ले में, बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम प्ले, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लास्ट की जो टीम है थर्ड हिल के अंदर मारी जाएगी, तो समझ सकते हो गेम प्ले कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो फाइनली सबसे पहले हम लोग यहां पे उतर चुके थे जैसा कि आप देख सकते हो, और यहां पे भैया कुछ बोट हमें दिखाई देते हैं, तो हमने कहा इन्हीं को मार के थोड़ा सा लूट कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों दो गेम प्ले इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। पहले वाले गेम प्ले में हम लोग किल हो जाएंगे थोड़ा सा जरा सी मिस्टेक से, ठीक है, लेकिन दूसरे वाले गेम प्ले में हम लोग चिकन करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे यार मैंने दो बोट मारे, उसके बाद यहाँ पे एक बंदा मेरे को दौड़ते हुए दिखाई देता है, उसको मैं डैमेज तो देता हूँ लेकिन वो इतना कम दिखाई दे रहा होता है कि मेरा एम ही नहीं लगता उसके ऊपर। हमने कहा जाने दो, एक बंदा गया तो गया, दूसरा कोई मिलेगा, ठीक है। तभी मेरी नज़र पड़ती है ऊपर इस बंदे पे। ओ भाई, ये बंदा क्या कर रहा था, मतलब मुझे लग रहा है सरकारी कर्मचारी मुआयना करने आया था इस जगह की, कि भाई ये जगह सही से चल रही है कि नहीं, यहाँ पे बंदे आ रहे हैं कि नहीं, पता नहीं क्या करने आया था भाई ऊपर चढ़ के। ये बोट तो नहीं था क्योंकि बोट के पास गन होती है कोई ना कोई, इसके पास गन नहीं थी, मुझे लग रहा है ये ऑफलाइन प्लेयर था, ठीक है। वहाँ से लूटे, वो लूटने के बाद यहाँ पे आए, यहाँ पे भाई रियल प्लेयर मेरे को मिल जाता है, और बिल्कुल जैसे ही आता है बिल्कुल पूरी पूरी मैं बिल्कुल मैगजीन भर देता हूं उसके, क्योंकि आपको पता होगा UMP-45 का डैमेज बहुत अच्छा हो गया भाई अपडेट के बाद, मजा आ जाता है यार चलाने में, और खास करके क्लोज में चलाने में तो बिल्कुल तबाही है। लॉन्ग में तो दिक्कत करती है लेकिन क्लोज में बिल्कुल तबाही है, तबाही, मजा आ जाता है भाई। हेड पे लगा दो ना तो बंदा समझ नहीं पाता है कितनी समय उस वो कैरेट में बदल गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे भैया पूरी टीम होती है बोट फायरिंग कर रही होती है, क्या बात है भाई। बंदों को भी समझ नहीं आता है कि बोट फायरिंग समझ में आ जाती है। तो एक बंदे को मैंने नॉक कर दिया, इन लोगों ने एक बंदे को मेरे पूरा खा लिया, ठीक है। अब एक बंदे को नॉक करने के बाद देखो मैं इसकी पूरी टीम कैसे मारता हूँ। एक यहाँ पर टीम मारूंगा इस वाले गेम प्ले में, एक आगे वाले गेम प्ले में मारूंगा, ठीक है। एक बंदा तो नॉक है, अब ये देखो दूसरा वाला, ये भैया नई वाली ड्रेस पा गया था तो भाई कुछ ज़्यादा ही चमक रहा था, ठीक है। अब मैंने इसको पूरा फिनिश कर दिया, हमने कहा अब इसको चमकने का मौका नहीं देते। तभी देखा एक और बंदा ऊपर से कूद रहा है, ओ भाई ये स्टाइल मार के कूद रहा है ऊपर वाले से नीचे वाले में, नीचे वाले से उसमें फ्लोर में घुसने की कोशिश कर रहा है। हमने कहा बंदा ट्रिक लगा रहा है, अब देखो इसकी ट्रिक कैसे भी थ्री फिरेगी, ठीक है। फुल लोड करके नेट मारेंगे भाई, सारे मर जाएंगे, देखो पूरी स्क्वाड खत्म, देख सकते हो यहाँ पे पूरी पूरी स्क्वाड खत्म भैया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा लॉस हो जाता है, मेरा टीममेट जो होता है वो भी नॉक हो जाता है। तो फाइनली मुझे पता था कि टीममेट नॉक हो जाएगा, मैंने बोल दिया था उसके कि नेट फेंक रहा हूँ, मगर वो फाइट ले रही थी, चलो मैंने कहा कोई बात नहीं, टीममेट तो नॉक हो गया, मैंने उसको जिंदा कर दिया, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से भाई खूब तगड़ी वाली लूट हो गई थी क्योंकि मतलब पूरी टीम ही इनकी खत्म हो गई थी। तीन पेटियाँ यहाँ पे थी, एक पेटियाँ मैंने बताया नहीं नीचे मैंने निपटा दी थी, तो पूरी स्क्वाड इनकी मेरे हाथ से मारी गई थी दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर भाई एक स्कैम मेरे साथ ये हो जाता है कि मैं ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर एक बंदे को मारता हूँ, देखना अभी, और यहाँ पर भाई पूरी टीम होती है जहाँ पर मैं मर जाता हूँ, ठीक है। अब देखना यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी कि मेरे हाथ से चेंज हो जाती है, UMP हाथ में आ जाती है और M4 नीचे गिर जाती है, बस इस मिस्टेक में मैं मारा जाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो इस बंदे को डैमेज देते हैं लेकिन बंदा बच जाता है। अब देखो उसी के चक्कर में यहाँ पे दो बंदे यहाँ पे आए होंगे, मैं ऊपर वाले बंदे तो देख लेता हूँ लेकिन नीचे वाले बालकनी में एक और बंदा खड़ा होता है, मैं उसको नहीं ध्यान दे पाता हूँ और वो मेरे को फुल डैमेज दे देता है यार। तो अब यहाँ पे मेरा टीममेट मुझको रिवाइव तो कर देगा, लेकिन भाई कहते हैं ना जब किस्मत में ही ना हो चिकन डिनर तो क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो ना। तो यहाँ पे देखो भाई मैं जैसे ही नीचे जाऊँगा, पता नहीं यार कहाँ पे कैंप किए बैठा था बंदा स्टोलके वाला, जैसे ही मैं जाऊँगा पूरी मैगजीन भर देगा, वो भी पीछे से साला, आगे से आता तो शायद मेरी जगह उसकी पेटी बन जाती, लेकिन भाई बंदा देखना कैसे मारेगा। ये देखो पीछे पता नहीं कहाँ पे यार घुसा बैठा था, मैंने देखा ही नहीं और सीधा पीछे से आके मेरे को धर दिया, ठीक है। तो उस गेम प्ले में तो हम लोग मर जाते हैं लेकिन दूसरे गेम प्ले में हम लोग फैक्ट्री में उतरते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखो यहाँ पे फटाफट से लूट करेंगे और फटाफट से तुरंत जैसे ही लूट होगी तुरंत तोड़ फोड़ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे फटाफट से सबसे पहले लूट कर लेते हैं। लूट करने के लिए जैसे हम उतरते हैं भाई फैक्ट्री में क्या ही गंदी वाली लूट मिलती है यार, कुछ ढंग का नहीं मिलता है, मतलब कुछ भी ढंग का नहीं मिलता है, देख रहे हो क्या बेकार वाली गन मिली है मुझे। अब इसके अलावा दूसरी गन जो मिलेगी वो इससे भी ज़्यादा बेकार मिलेगी। तो यहाँ से भाई छोटी मोटी जो भी लूट मिलती है उसको लूट कम्प्लीट करने के बाद यहाँ पर AKM मिल जाती है, AKM लेते हैं और इस बोट को मारते हैं। इस बोट के पास भैया M4 मिल जाती है, मतलब लूट भले तुम्हें ना मिले लेकिन बोट के पास लूट अच्छी रहती है, एक चीज़ तो मैंने देखा है, या तो इनके पास हेल्थ किट पक्का रहती है और या तो फिर इनके पास गन एक तगड़ी होगी कोई। तो यहाँ से भाई M4 मिल जाती है और AKM मिल जाती है, हमने कहा चलो अब तो बढ़िया हो गया।
उसके बाद यहाँ पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि मुझे डाउट था कि हो सकता है यहाँ पे टीम हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि फैक्ट्री में जब हम लोग आगे उतरते हैं तो नीचे पक्का एक दो टीमें सर्वाइव कर रही होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एमओ एमओ वगैरह बढ़िया मिल जाता है अच्छे से, और उसके बाद यहाँ पे लूट वूट करते हैं और लूट करके यहाँ से निकलते हैं हम लोग, ठीक है। और जैसे ही निकलते हैं साइड में एक बोट मुझे महाराज दिख जाते हैं, तुम्हें पता ही है स्टार्टिंग में फैक्ट्री के पास बोट काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो इस बंदे को मैंने मारा और मारने के बाद लूटा नहीं, गाड़ी में बैठ गया फटाक से। मैंने सोचा क्या होगा, बोट के पास कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरा टीममेट बताता है कि भैया हेल्थ किट लेके आया है, तो हमने कहा चलो लगे हाथ इसको भी उठा लेते हैं, आगे काम आएगी। तो अब देखो भाई, ये गाड़ी लेकर मेरा टीममेट यहाँ से निकल गया। अब भाई ये मत बोलना कि गाड़ी नहीं चला पाता है, क्योंकि नया ड्राइवर है यार, थोड़ा अभी गाड़ी सीख रहा है, ड्राइवरी लाइसेंस मिला नहीं है लेकिन मिलने वाला है, तो थोड़ा गाड़ी चलाता कम है पलटाता ज़्यादा है, ठीक है। तो थोड़ा संभल के चलाएगा, देखते हैं कहाँ तक जिंदा रख पाता है हम लोगों को ये, क्योंकि भाई ड्राइवर थोड़ा सा अजीबोगरीब है ये, ठीक है। तो अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से हम लोग यहाँ पर आए, लेकिन यहाँ पर यार कोई भी मतलब बंदा नहीं दिखा हमें फाइनली। और यहाँ पर रेड जोन अलग से गिर रहा था अगल बगल, तो हमने कहा भाई रेड जोन के बाहर से लो, नहीं तो एक गोला अगर गिर गया ना गाड़ी पर तो चारों के चारों एक साथ पेटी बन जाएंगे। तो यहाँ से आगे आते हैं, लेकिन यहाँ कोई भी बंदा नहीं दिखता, मतलब यार हम लोग काफ़ी दूर तक, मतलब जो जहाँ जहाँ पे एनिमी होने के आसार होते हैं, जहाँ जहाँ मतलब ज़्यादा एनिमी रहते हैं वहाँ वहाँ हम लोग घूमते हैं, लेकिन बंदे नहीं दिखते। फिर हम लोग फाइनली ड्रॉप के पास जाते हैं, हमने कहा कहीं नहीं तो ड्रॉप के पास तो बंदे मिलेंगे, लेकिन ड्रॉप के पास देखा तो ड्रॉप पहले से लूटेड था और बंदे यहाँ पर नहीं थे। तभी भैया यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मुझे पता चलता है कि यहाँ पे बंदे हैं, जो बंदे ड्रॉप लूट के आए थे वो यहाँ पे थे, ठीक है। तो एक बंदे को तो मेरा टीममेट बिल्कुल दे देता है कार 98 का शॉट, और उसको मैं पूरा फिनिश कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद एक और गाड़ी आती है साइड में, देख सकते हो एक और गाड़ी आई है, लेकिन इसके बंदे कब मर जाते हैं और कहाँ मर जाते हैं मेरे को पता ही नहीं चलता है, कब कहाँ मरे गए मतलब पता ही नहीं चला क्या हुआ इनके साथ, कौन सा स्कैम हुआ, ये कब मरे, कब जिंदा हुए, कब आए, मतलब ये ऐसा लग रहा है जैसे बताने आए थे कि हम भी गेम में हैं भाई, हमें भी समझ लेना, मतलब ऐसे मरे ये, ठीक है। अब यहाँ पे सारे बंदे मर गए थे, एक बंदा पता नहीं कहाँ पे था, मेरे को वो नहीं दिखा। थोड़ी देर बाद मेरा टीममेट बोलता है, जो नॉक था उसको पता चल जाता है कि ये टीम यहाँ पे दीवार के पीछे से मार रहा था बंदों को, ठीक है। अब देखो ये कैसे स्टॉल के खा के मार खाएगा भाई, ये पूरा मेरे को खाने वाला था लेकिन इसके मुँह पर पड़ी स्टॉल के और सीधा बंदा चला गया, कुछ ज़्यादा ही जिगल कर रहा था ये। तो यहाँ से हमने अपनी हेल्थ रिकवर की और हेल्थ रिकवर करके यहाँ पर आए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक और ड्रॉप वहीं पर जहाँ पर पहले गिरा था ना, सेम वहीं पोजिशन पर गिरा। अब देखो यहाँ पर भाई चारों तरफ से गोलियाँ पड़ेंगी पटापट, बिल्कुल मजा आ जाएगा भाई, मतलब भाई जब चारों तरफ से पड़ती है गोलियां तो स्वाद आ जाता है यार, मतलब क्या ही बोले, मजा आ जाता है बिल्कुल। अब यहां पे भाई बंदे ने गलत थोड़ा गाड़ी गलत जगह पे ड्राइव कर दी, अगर ये थोड़ा पीछे ड्राइव मतलब छोड़ देता ना गाड़ी तो यहां पे दो किल मुझे और एक्स्ट्रा मिल जाते, क्योंकि मैंने नेट हाथ में ले रखा था, मैं सोच रहा था स्मोक में दो नेट फेंक दूंगा तो बंदे जो भाग रहे हैं भाग नहीं पाएंगे, मगर भाई ये थोड़ा गाड़ी आगे चढ़ा देता है जिससे वो बंदे वो आगे निकल जाते हैं, उस पत्थर के पास निकल जाते हैं जहाँ पे मार्क लगा है आपको पता होगा, वहाँ पे निकल जाते हैं क्रॉस होकर, ठीक है, मेरे आते आते। और उतने बीच में यहाँ पे पता नहीं कौन सा बंदा बैठा था यार, वो मेरे को थोड़ा सा डैमेज देता है लेकिन बंदा यार नहीं दिखता है, पता नहीं कहाँ पे था कहाँ पे नहीं था। और ये बंदा गीली सूट पहना था, देखना अभी गीली सूट का कैसा गीला करते हैं, ठीक है। अभी इस गीली सूट को जब मारेंगे ना तो ये गीली सूट पीला पीला निकालेगा, देखना अभी, तो आने दो इसको गिली सूट को। मैं इसको काफ़ी देर से ढूंढ रहा था लेकिन दिख नहीं रहा था, तभी यार देखा कि रेड जोन मेरे ऊपर मंडरा रहा है। अब देखो ये निकला गिली सूट भाई, पता नहीं कहाँ पे लेटा था, मेरे को नहीं पता था, मगर भाई रेड जोन भी जरा से बचा था, मुंह में बिल्कुल फूटा था, जरा सा अगर आगे बढ़ जाते ना तो हमारे खोपड़ी में गिर जाता। तो भाई इस गिली सूट को मारने का तुरंत हम यहाँ से भाग गए क्योंकि रेड जोन खोपड़ी में था, हमने कहा कभी भी कोई भी गोले पर हमारा नाम लिखा हो सकता है तो हमें उस गोले पर अपना नाम नहीं लिखवाना था, इसलिए वहाँ से हम निकल आए, ठीक है। अब देखो जो बाकी के बचे हुए बंदे हैं ना, सारे ये सारे मेरे हाथ से मारे जाने वाले हैं, और देखो कैसे मारे जाने वाले, बहुत सारे बंदे यहीं पे गड़बड़ करते हैं क्योंकि लास्ट जोन में वो सर्वाइव नहीं कर पाते, लास्ट जोन में मर जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको करना क्या है, बीच में नहीं भागना है, अगर मैं जाने को तो बीच से भी जा सकता हूँ लेकिन बीच से आपको नहीं जाना है, अगर लास्ट में सर्वाइव करना है ना तो किनारे से भागो, क्योंकि किनारे से भागोगे तो एक तरफ से गोलियाँ पड़ेंगी, अगर बीच से भागोगे तो चारों तरफ से गोलियाँ पड़ेंगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम कब मारे गए, ठीक है। तो देखो मैं बिल्कुल किनारे किनारे जा रहा हूँ गोले के, और किनारे से होते हुए उन बंदों को मारूंगा, ठीक है, ताकि अगर कोई बंदा किनारे कैंप वैम्प कर रहा है तो मैं उसको पहले ही निपटा दूं, नहीं तो मैं बीच में जाऊंगा तो पहले बंदे मुझे मार देंगे, ठीक है। अब मुझे बंदों की लोकेशन पता चल गई थी, यहां पे एक बंदा था जो रिवाइव दे रहा था, मतलब रिवाइव दे क्या रहा था, दे चुका था, ठीक है, वो हेल्थ हेल्थ लगा चुका था, भागने की कोशिश कर रहा था, उसका एक टीममेट इस तरफ आ चुका था, एक टीममेट उस तरफ था, उस तरफ वाले को नॉक कर दिया था, इस तरफ वाले को अब मैंने नॉक कर दिया। अब एक और है, ये देखो पानी पे तैर रहा है, तो इसको भी हम मारेंगे, मतलब ये तीनों के तीनों बंदे लास्ट वाले मेरे हाथ से मारे जाते हैं, क्योंकि ये तीनों तीनों थर्ड डेल में फाइट ले रहे थे, और फाइट लेके जैसे
ही बाहर निकलने की कोशिश की, हमारे हाथ से पीटे गए दोस्तों। तो ये यार छोटा सा गेम प्ले कैसा लगा, उम्मीद करूंगा गेम प्ले यार आपको जरूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक शेयर कर देना, नए चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर देना, और जिन लोगों ने इंस्टा ट्विटर पर फॉलो नहीं किया सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो कर लो, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे अपडेट आपको वहां पर मिलते रहते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा।